रितेश भदौरिया और आज अपनी किचन में फिर से लगाने जा रहे हैं एक बार स्ट्रीट फूड का तड़का मुंबई के फेमस तवा पुलाव के साथ। ये पुलाव ना बहुत ही तीखा होता है, करारा होता है, काफी फ्लेवरफुल होता है। तो इसीलिए सबसे पहले तो मैं आपको ये सिखाऊंगी कि इसका जो फ्लेवरफुल राइस है वो कैसे प्रिपेयर करना है, और इसी के साथ साथ एक स्पेशल चिली गार्लिक का पेस्ट बनता है जो इस पुलाव को देता है वो स्पेशल मुंबईया फ्लेवर, और साथ ही साथ में एक तीखी करारी सी स्पाइसी सी चिली गार्लिक की चटनी भी जो सर्व की जाती है इस पुलाव के साथ। नाउ दिस डिश कैन बी अ परफेक्ट मील फॉर ऑल योर स्पेशल ओकेजंस, जैसे कभी घर में गेस्ट आ रहे हों या फिर कोई फेस्टिवल्स हों जब मीठा खाने के बाद ना खूब तीखा करारा खाने का मन करता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज मुंबई स्टाइल तवा पुलाव। हमारे मुंबई स्टाइल तवा पुलाव के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ेगी आप पहले से नोट कर लीजिए। 2 कप सेला बासमती राइस, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 मोटी इलायची, 1 तेज पत्ता। चिली गार्लिक पेस्ट बनाने के लिए आई वुड नीड 25 रेड चिलीज और 1 कप छिला हुआ लहसुन, बटर, कुछ वेजिटेबल्स जैसे कि ये कटी हुई बीन्स, मटर, कैबेज, टमाटर, कैप्सिकम, प्याज, उबले हुए आलू, पाव भाजी मसाला, गार्लिक पेस्ट, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, जीरा और फाइनली थोड़ा नींबू का रस। कोई भी पुलाव बनाने के लिए ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है चावल। अब क्योंकि ये स्ट्रीट स्टाइल फूड होता है, चावल इसमें ऐसा चाहिए होता है जिसे पहले से उबाल करके तो आपने रख लिया लेकिन ये टूटे नहीं, डिसइंटीग्रेट ना हो। इसीलिए जानते हैं स्ट्रीट वेंडर्स किस चावल का इस्तेमाल करते हैं। वो इस्तेमाल करते हैं ये सेला बासमती राइस का, ताकि फ्लेवर भी आए और साथ ही साथ इसका टेक्स्चर भी बना रहे। तो पहला काम तो हम ये करेंगे कि इस चावल को धो करके भिगो करके रख देंगे 1/2 घंटे के लिए। 1/2 घंटे से यहाँ चावल जो है वो भीग चुका है। अब मैं यहाँ पर पानी उबालने के लिए चढ़ा रही हूँ चावल को पकाने के लिए। अब ध्यान इस बात का दीजिएगा कि चावल उबालने के लिए कम से कम 3 गुना पानी आपको चढ़ाना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर 2 कप चावल लिया हुआ है ना, तो उसके लिए कम से कम 6 कप पानी मेरे पास ज़रूर होना चाहिए ताकि चावल को फूलने के लिए और फैलने के लिए काफ़ी सारी जगह मिले। तो सबसे पहले तो पानी में मैं ऐड करूँगी 1 चम्मच नमक, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी भी। नाउ व्हाट द हल्दी विल डू इज कि ये चावल को एक अच्छा सा खिला हुआ कलर दे देगी, ताकि जब आप इसका पुलाव बनाए ना तो वो एक डर्टी ब्राउन कलर का ना होके एक खिला खिला खूबसूरत से कलर में आए इसलिए। और फ्लेवर के लिए इसमें हम ऐड करेंगे 2 मोटी इलायची और साथ ही साथ में 1 तेज पत्ता भी। तब तक मैं यहाँ पर एक और काम करूँगी, और वो ये है कि मेरे पास यहाँ पर ये लाल मिर्च। अच्छा, यूजुअली तो कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको कश्मीरी लाल मिर्च ना मिले तो कोई बात नहीं, आप क्या करेंगे, आप खड़ी लाल मिर्च के बीज निकाल देंगे और तब इसे सोक करेंगे। तो ये हो गई हमारी लाल मिर्च। अब इसे भी भिगो करके मैं रख दूंगी तकरीबन 1/2 घंटा के लिए, ताकि ये सारे वाटर को सोक कर ले। यहाँ मैं गुनगुने पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ, बट शुड यू विश आप इसको बॉइलिंग वाटर में भी सोक कर सकते हैं, ऐसा करने से जल्दी फूल जाएगी। पानी बॉइलिंग पे आ चुका है, अब इस पे हम ऐड कर देंगे अपने राइस, और अब इस राइस को हम आलदांते कुक करेंगे। आलदांते का मतलब कि हल्की सी कसर रह जानी चाहिए, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे हम बिरयानी के लिए राइस पकाते हैं ना, 80% तक इसे कुक करेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी बाकी की सारी कुकिंग फिनिश होगी तवे पे सारे मसाले के साथ। तो ये रेड चिलीज अच्छे से सोक हो चुकी है, काफ़ी सॉफ्ट हो गई हैं ये। अब व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज इनको पीस लूंगी, और इसी के साथ साथ इसमें आई एम ऑल्सो गोइंग टू ऐड गार्लिक टू मेक माई चिली गार्लिक पेस्ट। लुक एट दिस, सच अ ब्यूटिफुल कलर। इसी के साथ साथ गार्लिक का बहुत खूबसूरत सा फ्लेवर भी। लेट मी गेट दिस आउट। अब इस कंटेनर में थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे वॉश करके मैं अपने पास रख लूंगी। जानते हैं किस लिए? जो गार्लिक चटनी बनाऊंगी ना उसके लिए। और यहाँ नोट कर लीजिए आप एक खास टिप कि कैसे आपके चावल का रंग बनेगा एकदम खिला खिला। सो फॉर दैट यू नो व्हाट यू नीड टू डू इज बस आप इसमें 1 नींबू निचोड़ दीजिए, और तब देखिए चावल का रंग कितना खूबसूरत हो जाएगा। तो जब तक हमारा चावल कुक होता है तब तक आप मुझे ये बताइए कि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया,
अरे भाई नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ना, सोचिए तभी तो ऐसे बेहतरीन सी रेसिपीज आपके साथ शेयर कर पाऊंगी। और हाँ, याद है ना आपको, अगर आप ये बेल आइकन दबाते हैं तो मेरी हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा तुरंत। एंड में लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि मुंबईया तवा पुलाव का स्वाद आप तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा। और तब तक मैं कुछ अनियंस को यहाँ पर फाइन स्लाइस कर लेती हूँ। मैंने यहाँ पर दो छोटे प्याज ले लिए हैं, आप चाहे तो एक बड़ा प्याज भी ले सकते हैं। और अब इसी के साथ एक कैप्सिकम को भी इसी तरह से मैं फाइन स्लाइस कर लेती हूँ। और अब टमेटोज को भी ऐसे ही फाइन स्लाइस कर लेते हैं। अब इसके बाद थोड़ा कैबेज भी स्लाइस कर लेते हैं। अभी कैबेज ना बेसिकली इसमें बॉडी देने के लिए, इसको थोड़ा सा और बढ़ाने के लिए, पुलाव को थोड़ा सा और बढ़ाने के लिए ऐड किया जाता है। राइस इज नाउ परफेक्टली कुक्ड, ये 80% पक चुका है। ये देखिए, अगर मैं इसे प्रेस करूँ ना, मुझे इसमें बस एक दाने की लाइन दिखाई दे रही है। अब इसे हम छान लेते हैं। अच्छा, क्योंकि हमने यहाँ पर सेला चावल का इस्तेमाल किया है ना, तो सेला चावल आपस में चिपकता नहीं है। हाँ, इसकी स्टिकीनेस अगर थोड़ी सी भी रह गई है ना, तो उसको चिपकने से प्रिवेंट करने के लिए इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डाल करके मिक्स कर देंगे। तो तवा पुलाव के लिए मेरा तवा तो यहाँ चढ़ चुका है, लेकिन अगर आपके पास ऐसा बड़ा तवा ना हो तो जैसे मैंने आपसे पहले बताया था, आप किसी बड़े फ्राइंग पैन में भी ये काम बहुत आसानी से कर सकते हैं, नहीं तो अपने घर के ही तवे पे छोटे छोटे बैचेस में भी इसे इजीली कुक कर सकते हैं। तवे पे सबसे पहली चीज़ क्या जाएगी, सोचिए, मुंबई का खाना है तो क्या जाएगा, जाएगा मस्का यानी कि बटर। एंड टू प्रिवेंट माय बटर फ्रॉम बर्निंग, मैं इसमें साथ ही में डाल दूंगी थोड़ा सा ऑयल भी। बटर भी गरम, सबसे पहले तो ऐड करेंगे हम इसमें ये लंबा कटा हुआ प्याज। प्याज जैसे ही हल्का सा सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगा ना, इस पे ऐड करेंगे हम बारीक कटा हुआ कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च, जो मैंने काट करके पहले से ही यहाँ पर रखी हुई है। अलॉन्ग विद दिस स्लाइस किया हुआ टमाटर। टमेटोज भी हल्के से जब सॉफ्टन होने लग जाएंगे तब ऐड करूँगी इस पे ये कैबेज यानी कि बारीक कटी हुई पत्ता गोभी। ध्यान हमें इस बात का रखना है कि हमें अपनी वेजिटेबल्स को टेंडर क्रिस्प रखना है, एकदम से गला नहीं देना है, इनमें हल्की सी क्रिस्पनेस रह जानी चाहिए। और अब अपने तवे के बीच में मैंने कर ली है थोड़ी सी जगह। अब इस पे ऐड करूँगी मैं ये चिली गार्लिक का पेस्ट। नाउ एज यू रिमेम्बर, ये जो चिली गार्लिक पेस्ट है जिसके बीज मैंने निकाल दिए, जिसकी वजह से कलर तो बहुत अच्छा आएगा लेकिन तीखापन इसका थोड़ा सा कम रहेगा। और अब इसमें ऐड करेंगे हम स्वाद के अनुसार नमक और इसी के साथ पाव भाजी का मसाला 2 टेबलस्पून। अगर आप मेरे पाव भाजी मसाला की रेसिपी चाहते हैं ना, तो उसकी रेसिपी मैंने अपनी पाव भाजी की रेसिपी के साथ कुछ दिन पहले ही शेयर की है, एंड यू कैन चेक इट ओवर हियर। अच्छा, तवे पे लोग ना एक पलटे का यानी कि एक फ्लैटर स्पून का इस्तेमाल करते हैं टू टर्न थिंग्स अराउंड, बट जानते कि आई प्रेफर अ स्पून लाइक दिस। इससे ऐसे इसे कलेक्ट करना, टर्न करना, दोनों मेरे लिए बहुत ईजी हो जाता है इसलिए। बट आपकी चॉइस, जो चम्मच अच्छा लगे, जिससे आपको सहूलियत लगे वो चम्मच इस्तेमाल कीजिए। ऐसे ही मैंने डायमंड शेप में बीन्स भी कट करके रखे हुए हैं, ये बीन्स भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। अब मुंबई का पुलाव हो और उसमें बटाटा यानी कि आलू ना पड़े तो कैसे काम चलेगा, इसलिए यहाँ पे कुछ बॉयल किया हुआ आलू जो मैंने ऑलरेडी कट करके रखा है वो भी इस पर ऐड कर देते हैं, और इसके साथ थोड़ी सी उबली हुई मटर भी। मिक्स दिस। और अब इस पर ऐड कर दीजिए थोड़ा सा पानी, ताकि जो नीचे आपका पेस्ट चिपकने लग गया है ना, ये रिलीज हो जाए। सो यू विल नोटिस कि ये काफ़ी कुछ पाव भाजी के जैसे ही बनता है, बनता भी सेम तवे पर ही है, तो पाव भाजी का काफ़ी सारा फ्लेवर इसमें आ जाता है। अच्छा, हमने भी तो वही सारे फ्लेवर्स डाले हैं ना, चिली गार्लिक का पेस्ट है, पाव भाजी का मसाला है, सॉल्ट, बस क्या ऐड करना रह गया है इसमें, चावल जो हमने ऑलरेडी बॉयल करके रख लिए हैं, तो अब चावल ऐड कर दिया जाए। तो ये देखिए कितना खूबसूरत खिला हुआ राइस रेडी है। तो राइस ऑन द तवा नाउ एंड लेट्स गिव दिस अ क्विक मिक्स। बढ़िया सी फ्लेवर, बढ़िया सा अरोमा, और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया इसका कलर भी आ चुका है। काला बिल्कुल नहीं हुआ, ब्राउन बिल्कुल नहीं हुआ, एंड इसमें हमने कोई आर्टिफिशियल कलर भी नहीं ऐड किया है, सो इट हैज अ वेरी नाइस प्लेजेंट कलर टू इट। अब फॉर अ फाइनल फ्लेवर मैं इसके ऊपर ऐड करूंगी लहसुन का पानी। और लहसुन का पानी बनाना कोई मुश्किल चीज़ तो है नहीं, बस 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट लेंगे। I'm going to add 1 cup of water. और अब ये गार्लिक वाटर स्प्रिंकल कर देंगे हम अपने तवे पर।
अच्छा, जो पहले गार्लिक हमने ऐड किया था ना, वो बहुत अच्छे से कुक हो चुका है चिली के साथ। इसका फ्लेवर जो है ना, आप नोटिस करेंगे, बहुत अलग आएगा। विल गिव यू वेरी नाइस अरोमा, ब्यूटिफुल अरोमा। अब गैस को मैं बंद कर दूंगी और फाइनली मैं ऐड करूंगी इस पे थोड़ा सा नींबू का रस, कुछ बारीक कटा हुआ हरा धनिया। जस्ट मिक्स इट अप एंड दिस इज रेडी टू सर्व। तवा पुलाव डन। अब इसके साथ सर्व करने के लिए वो चिली गार्लिक चटनी। एंड टू मेक माई चटनी, मैं अपने पैन में ले रही हूँ 4 टेबल स्पून ऑयल, काफ़ी सारा। आई नो, तेल को थोड़ा गर्म हो जाने देंगे और तब इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून बारीक कटी हुई लहसुन। ये लहसुन जो हम पहले तेल में ऐड करके भुनेंगे ना, इसका फ्लेवर एकदम अलग आएगा। और वो जो चिली के साथ हम लोगों ने पीस करके रखी हुई है लहसुन, उस गार्लिक का फ्लेवर बिल्कुल अलग आएगा। सो दैट इज़ वाई वी नीड चॉप्ड गार्लिक एज वेल टू गिव इट अ वेरी डिफरेंट फ्लेवर। गार्लिक अच्छे से लाल हो चुका है, अब ऐड करेंगे हम इसमें ये चिली गार्लिक का पेस्ट जो हमने प्रिपेयर करके रखा है। चिली गार्लिक का जो मैंने कंटेनर वॉश किया था ना, उसका सारा पानी। अलॉन्ग विद दिस सॉल्ट टू टेस्ट। टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम द पाव भाजी, मैंने रियलाइज किया कि अगर मैं इसका जो तीखापन है, जो इसकी हीट है, उसे कम रखना चाहती हूँ, फ्लेवर भी बरकरार रखना चाहती हूँ, लेकिन अपनी चटनी को थोड़ा सा थिक करना चाहती हूँ ना, सो वॉट आई नीड टू एड इज अ लिटिल बिट ऑफ मैश्ड बॉइल्ड पोटेटोज। ये मेरे दिमाग के ऊपर है प्लीज़ हाँ, लेकिन मैंने नोटिस किया ये बहुत अच्छा काम करती है टू गिव माय चटनी अ बॉडी एंड अ थिकनेस। इसे 4 से 5 मिनट के लिए पकने देंगे ताकि चिली और गार्लिक भी पक जाए और साथ ही साथ ये थोड़ी सी गाढ़ी भी हो जाए। एंड देट वी आर रेडी टू सर्व। तो ये लीजिए, हो गया तैयार हमारा मुंबई स्ट्रीट स्टाइल तवा पुलाव। इस तवा पुलाव की खासियत ये कि इसके वेजिटेबल्स हैं टेंडर क्रिस्प, इसमें है पाव भाजी मसाला और गार्लिक का बहुत ही बेहतरीन सा फ्लेवर, चिलीज का अच्छा सा कलर और हल्की सी हीट भी। आप भी इसे घर में जरूर ट्राई कीजिएगा एंड डू लेट मी नो आपके फैमिली मेंबर्स को ये कैसा लगा।